हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू हांगकॉन्ग विद एंड टूडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ऑल द लाइफ दिस एंड इट्स आर स्प्रेडिंग अबाउट द स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन सारी की सारी बात यहां तक आ गई है कि जो फंसे हुए हैं वे खुद जिम्मेदार हैं ये उनकी हरकत है एक से एक झूठ बोले जा रहे हैं एक से एक बदतमीजियां की जा रही हैं एक से एक तर्क है कि जो लोग पंद्रह लाख बीस लाख रुपया के पढ़ा सकते हैं वो एक लाख का टिकट खरीद सकते हैं कि नहीं एंड सो द मोदी गवर्नमेंट एंड इट्स स्टोरीज अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन आर लिमिटलेस मैं तमाम सारी बातों का जवाब देना चाहता हूं पॉइंट बाई पॉइंट लेकिन आज एक एक को पॉइंट बाई पॉइंट लेते हैं आगे बढ़ने के पहले अगर आपको ये वीडियोस लग रहे हो कि ये नॉलेज जनरेशन में या डिस्कोर्स में कुछ फायदा कर रहे हैं विमर्श में तो कृपया चैनल को फॉलो करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज़्यादा फैलाएं लाइक करें वीडियोस को यूट्यूब पे वहाँ पे कमेंट्स छोड़ें अपने दोस्तों को भेजें अपने समूहों में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले झूठ की मैं यहां से नहीं शुरू करूँगा कि वहाँ गए ही खूं वो एक पूरी अलग डिबेट है भारत में जितनी मेडिकल सीट्स की जरूरत है उसका वन टेंथ भी नहीं है आज भी और इसके पीछे सिर्फ यह सरकार जिम्मेदार नहीं है यह बात सच है लेकिन उससे ज्यादा बड़ा यह सच है कि भारत में वेलफेयर स्टेट के प्रोग्रेसिव कोलैप्स के बाद और खासतौर पे वाजपेयी के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बेचना शुरू करने के बाद जो पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस बात का और आपको ये बात समझनी चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम होगा डॉक्टर्स की जरूरत होगी जो सरकारी होंगे सरकारें मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगी आप कभी भी स्पीड देखिएगा कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस बनाने की स्पीड में एक तेज गिरावट आती है राजीव गांधी के बाद और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज बनने में एक तेज उछाल आता है उसके बहुत साल बाद मनमोहन सिंह के बाद बीच में वाजपेयी तक निलबटे सन्नाटा है खैर तो ये भारत में मेडिकल सीट्स बहुत कम हैं प्रतियोगी ज़्यादा हैं जरूरत भी ज्यादा है तो लोग विदेश जाते हैं और उन देशों में जाते हैं अमीर बापों की औलादें सुषमा स्वराज की बेटी हूँ अरुण जेटली का परिव। बेटी हो खुद जयंत सिन्हा हूँ यशवंत सिन्हा भाजपा के फाउंडर मेंबर के बेटे रविशंकर प्रसाद की बेटी हूं जो बोस्टन में गई बाकायदा उन्होंने लगाया तो ये जो भाजपाइयों की ओर यादें हैं ये यूरोप या यूएस जाती हैं और यूरोप और यूएस में बेसिकली दो देश जाते हैं या तो यूनाइटेड किंगडम और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये यूक्रेन जैसे जो डेस्टिनेशन है वो गरीबों के हैं पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है तो क्यों गए वो इसलिए गए कि भारत में जरूरत भर की सीटें अब दूसरी एक लगातार झूठ चल रहा है कि भारत सरकार ने महीने भर पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी ये लोग लौटे क्यों नहीं एप्सल्यूट एंड कंप्लीट लाइव द फर्स्ट एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन आप ट्विटर पे अपने देख आप मैं आप हाफ स्क्रीन में देख सकते हैं मैं भारत सरकार का जो दूतावास है यूक्रेन में उसकी टाइमलाइन से चला रहा हूं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह के बारे में घोषणा करने के बाद पहली ट्वीट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन की 15 फरवरी को है जिन्होंने कहा है कि लोग छोड़ें भारतीय जिनका रहना इसेंशियल ना हो वो यूक्रेन से बाहर निकले उस पर लोग सवाल पूछते हैं कि लेकिन फ्लाइट तो बुक है किसी फ्लाइट में कोई जगह ही नहीं है और तब एम्बेसी ऑफ इंडिया का जवाब है 16 फरवरी को कि पैनिक ना करें ये दोहा से ये अलाने से ये फलाने से, से रास्ता है जब टिकट मिले तब जाए फरवरी 16 को ही रात आते आते उसके पहले कोविड के चलते भारत सरकार ने यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट्स पे कैप लगाया हुआ था कि कितने लोग आ सकते हैं स्थिति और गंभीर होती है यहां पर एक मिनट रुके यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जर्मनी दुनिया भर के तमाम जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने नागरिकों को 11-12 फरवरी तक इवैक्यूएट कर लिया था और जो नहीं निकलना चाहते तो उनको बता दिया था कि आपको नहीं निकलना है तो अब यू आर ऑन योर ओन देयर विल बी नो मिलिट्री इवैक्यूएशन एक्चुअली फिफ्टींथ फेब्रुवरी आते आते तो यूएस और यूके और जर्मनी और फ्रांस इन तमाम देशों ने अपने दूतावासों में भी केवल एब्सोलूटली इसल कर्मचारी छोड़े थे बाकी सबको रेस्क्यू इवेक्एट कर दिया था खैर 18 फरवरी को एयर इंडिया फ्लाइट अनाउंस करती है 22 तारीख को 24 तारीख को और यहां पे एक और बात कि यूक्रेन और भारत के बीच कोई सीधी फ्लाइट ज्यादा ही नहीं ज्यादा नहीं शायद एक भी नहीं जो टिबली वगैरह होके जाती हैं उनमें टोटल सीट्स हैं थ्री मैक्सिमम डेली कनेक्टिविटी यूक्रेन इंटरनेशनल हो या एयर इंडिया हो इन दोनों की सारी सीट्स आप जोड़ देंगे तो 600 से ज्यादा सीट नहीं है वन डे ये जो यूएस यूके वगैरह के लोग हैं जर्मनी के जो लोग हैं वहां पे सैकड़ों फ्लाइट्स हैं अलग अलग देशों की और उससे बेहतर है कि आप यूएस सिटीजन हैं तो आप पहले पोलैंड चले गए और फिर वहां से आपने फ्लाइट ले ली या आपने रूट से क्रॉस कर लिया क्योंकि बहुत सारे जो पासपोर्ट्स हैं जिनको बहुत सारे देशों में फ्री एंट्री मिलती है हमारे भारत को तो पोलैंड में नहीं थी अभी तक एयर इंडिया ने 22 फरवरी 24 फरवरी और 26 फरवरी की फ्लाइट्स अनाउंस की लेकिन फरवरी 20 को उसने यह विचार करना शुरू कर दिया कि यह फ्लाइट कैंसिल कर दें क्योंकि वापसी की वा, तो क्योंकि कोई बुकिंग नहीं आई फरवरी 20 ही वो दिन है जब इन लोगों ने दूसरी एडवाइजरी इश्यू की स्ट्रांगली अर्जिंग इंडियन नेशनल्स टू लीव पंद्रह फरवरी को पहली सोलह फरवरी को यह कहा कि पैनिक ना करें यूक्रेन का राष्ट्रपति भी लगातार बार-बार बोल रहा था कि होगी। भारतीय छात्र लगातार कह रहे थे क्लासेस ऑनलाइन करवाएं। एम्बेसी ने किसी से कोऑर्डिनेट नहीं किया बीस फरवरी को एयर इंडिया अपनी फ्लाइट कैंसिल करने का सोचती है कि जो तीन सौ लोग बीस हजार लोग निकलने हैं आप ज्यादा से ज्यादा 600 निकल सकते हैं एयर इंडिया और यूक्रेन की जोड़ के अगर यूक्रेन आपको केवल पूरी परमिशन दे कि केवल इंडियंस को लेके जाएगी वो तब खैर बीस फरवरी को बैसी पहली बार स्ट्रांगली अर्ज करती है और एयर इंडिया हाइक्स द फेयर एयर फेयर फ्रॉम यूक्रेन टू तो इंडिया वन वे रिटर्न था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब वो वन वे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ा के सेवेंटी फाइव थाउजेंड कर देती है वन लैख कर देती है। दिक्कत ये भी नहीं गला काट कॉम्पिटिशन है जिनको निकलना था वो तो निकल के आ गए बाईस फरवरी को ट्वेंटी सेकेंड फरवरी को पहली एडवाइजरी आती है टोटल फोर्थ जिसमें एम्बेसी बात करती है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज में जब वो ये कहती है भारत की एम्बेसी कि हम अब यूनिवर्सिटी से बात करेंगे युद्ध के बादल दिसंबर से मटरा रहे हैं और भारत की एम्बेसी महान जो भारत के छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि ऑनलाइन क्लासेस करें वो 22 फरवरी को बोलती है हमला होने में दो दिन बाकी है बाईस फरवरी को ही भारत से दो रशियन स्पीकिंग ऑफिसर्स को भेजा जाता है सिर्फ दो चौबीस फरवरी को रूस हमला करता है और तब भारत की जो एम्बेसी है भारत का जो दूतावास दो, है यूक्रेन में क्यूब में वो बेसिकली तीन एडवाइजरी एक एडवाइजरी में तीन जारी करता है जिसमें है कि आप अपने अपने जिस शहर में हैं तुरंत वापस भागें एयर स्पेस बंद हो गया है और हम वैकल्पिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं इवैक्यूएशन के वेस्टर्न एरियाज में जाएं हेल्पलाइन हमने की है और उसके बाद कि मार्शल लॉ जब लग गया तो आप अपने होम और अपने घर और अपने हॉस्टल ना छोड़ें उसके बाद जो जो एम्बेसी ने किया है वो तो गजब का कमाल है आप देखिए मतलब आप मेरी मत मानिए आप उनके भारत की जो एम्बेसी है जो दूतावास है उसके ट्वीट्स पढ़िए केवल ये पैसे का मामला नहीं आपके पास एक लाख रुपए नहीं आप दो लाख रुपए टिकट को देने को तैयार हो लेकिन फ्लाइट तो होनी चाहिए यूएस यूके जर्मनी फ्रांस नीदरलैंड टर्की ये सारे देश जब 12 फरवरी 11 फरवरी तक अपने एम्बेसीज को इवैक्यूएट कर रहे थे तो भारत सरकार भारत का इंटेलिजेंस कहां सो रहा था अब तो दोष देना आसान है उसके बाद की आप एडवाइजरीज देखिए पोलैंड में जो भारत का दूतावास है वो एडवाइजरी इश्यू करता है कि आप पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचिए पब्लिक बसेस से आइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आते हैं यूक्रेनी हमला शुरू कर देते हैं उसके पूछे भारतीय मीडिया और बीजेपी की आई से ज्यादा हद तक जिम्मेदार है वो बिल्कुल ठीक बात हां पहली बात कि फ्लाइट्स तो आदमी दो लाख रुपए भी दे के पच्चीस हजार की फ्लाइट का जान बचाने के लिए भाग गए पर उसके लिए फ्लाइट होनी चाहिए एयर इंडिया की फ्लाइट में तीन सौ सीट है पच्चीस हजार से टिकट आपने पहले पचहत्तर हजार फिर एक लाख सवा लाख भी कर दिया लेकिन जाएंगे तो तीन सौ लोग ना फंसे तो बीस हजार है आपने कुल तीन फ्लाइट्स की घोषणा की है तो बीस हजार में से थ्री हंड्रेड इंटू थ्री नाइन हंड्रेड मैंने देखा एनडीटीवी तक के पत्रकार एक फ्लाइट में थे थर्टी टू का क्रू था थर्टी टू का क्रू इन फ्लाइट दैट कैन कैरी बैक मैक्सिमम थ्री हंड्रेड पीपुल बिकॉज उसमें पंद्रह तो जर्नलिस्ट थे और पंद्रह कैमरा थे तमाशा एवरीथिंग इज अ फोटो आज भारत सरकार ने घोषणा की है कि चार चार मंत्रियों को भेजेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उसमें एक किरण रिजिजू हैं हैं वीके सिंह है वी फॉरगेटिंग ये 24 फरवरी के पहले क्या कर रहे थे अब आप क्रोनोलॉजी देखिए 15 फरवरी तक भारत की एम्बेसी मस्ती कर रही थी 26 जनवरी और 15 फरवरी के बीच ट्वेंटी जनवरी दैट्स आवर रिपब्लिक डे और उसके बाद फिफ्टीन फेब्रुवरी के बीच में भारत की जो एम्बेसी है यूक्रेन में उसने ना कोई एडवाइजरी जारी की है ना उसने कुछ कहा है ना उसने कुछ किया है मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं कि एक छात्र के पिता हैं जो दुखी है, घब हैं घबराए हैं गुस्सा हैं लेकिन उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने बहुत किया वो भीतर जानते हैं ये डर का आलम है ये ये जो भयावह एक देश खड़ा किया जा रहा है ये उसका आलम है पर फिर भी उसके बाद जो आपका कोऑर्डिनेशन है आप बोल देते हैं पोलैंड बॉर्डर पे आइए और पोलैंड बॉर्डर से आपको बकाया जाता है तो पहला सवाल कि जब आपके पास फ्लाइट में कैपेसिटी ही नहीं है आपकी तीन की फ्लाइट है और लोग बीस हैं और आप ट्वेंटी फरवरी फर्स्ट बाईस को सेकेंड और सॉरी बाईस चौबीस और छब्बीस तीन फ्लाइट आप भेज रहे हैं जो नौ सौ लोग ला सकती है ज्यादा से ज्यादा बीस हजार पे नाइन हंड्रेड यू आर सेंडिंग इवैक्यूशन फ्लाइट विदोटल कैपेसिटी ऑफ नाइन हंड्रेड प्लस माइनस फिफ्टी बट बेसिकली नाइन हंड्रेड टू इवेकुएट ट्वेंटी थाउजेंड पीपल बीस हजार लोगों को दैट टू फ्रॉम अ कंट्री विच इवेकुएटेड वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कुवैत इन नाइनटीन नाइनटी थर्टी टू ईयर गो सत्तर साल में हुआ क्या था उसके बाद आप क्या करते हैं अभी जो वीडियो आ रहे हैं उसके बाद भारत में बीजेपी की आई सेल एक से एक घटिया हिंसक और यूक्रेनियों को भारतीयों के खिलाफ भड़काने वाले फॉरवर्ड शुरू करती है पहला फॉरवर्ड आता है कि रूस के जनरल ने वादा किया है कि जिस भी गाड़ी या मकान पर तिरंगा लगा होगा उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा उल्टा रूस का जो अग्रिम खोजी दस्ता है वो उनको लेके जाके बॉर्डर सुरक्षित पहुंचाएगा किस बॉर्डर पोलैंड रशिया लिथुआनिया रशिया रोमानिया एंट्री रशिया या रशिया वापस जहां का एयर स्पेस बाकी दुनिया के देशों ने बंद कर रखा है भारत का मीडिया लगातार चलाता है कि क्या मोदी uh, केवल रोक सकते हैं वॉर और uh, क्या ट्रंप और पुटिन सुने सॉरी uh, बाइडेन और पुटिन सुनेंगे की बात एंड सोवान एंड सोवान आप यूक्रेन के राजदूत का मजाक बना के रख देते हैं दुनिया में किसी भी देश का जो भी राजदूत होता है वो जिस देश में होता है ऐसे विषम परिस्थिति में उससे मदद मांगता है और वहां के प्रधानमंत्री की तारीफ करता है कि आप ही रोक सकते हैं इसमें मोदी कोई मतलब उनके अंदर सुरखाप के पर नहीं लगे अगर यूएस नहीं रोक पा रहा है तो आपकी क्या हैसियत है हमको पता है हमने देखा है अफगानिस्तान में आपको वार्ता से बाहर किए जाते हुए पहले ट्रंप द्वारा फिर पुटिन द्वारा ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम जो दूसरा मुहावरा है धोबी वाला मैं वो ठीक नहीं समझता नहीं कहूंगा इनके लिए नहीं क्योंकि तो वो धोबी और कुत्ते दोनों के लिए अपमानजनक जाति सूचक है इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कुत्ता उसने क्या बिगाड़ा है वो तो सबसे ज्यादा लॉयल होता है तो खैर यही स्थिति उसके बाद आई सेल एक से एक हरकतें करती है घटिया यूक्रेन क्यों नाराज हो रहा है आपका पूरा मीडिया चला रहा है आप यूक्रेन के राजदूत को खड़ा करके बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मैंने उसका वीडियो देखा मैं लगा तो आप भी देखें वो बोल रहे अगेन और इंडियन मीडिया उसको बोल रहा है हिंदी में भी बोल दें हिंदी में भी बोल दें और पूरे एक दिन आप चलाते हैं यूक्रेन के राजदूत ने मांगी मोदी uh, से मदद मोदी ही बचा सकते हैं एंड देन व्हाट यू डू आप यूएन में जाकर कर आप स्टेन करके चले आते हैं आप यूएन का जो बेसिक प्रिंसिपल है टू रेस्पेक्ट द सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एवरी कंट्री एवरी मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आप उसका जिक्र तक नहीं करते और फिर गुस्सा फटता है कि अगर तिरंगा लगाने से बच जाएंगे तब तो यूक्रेन की मिलिट्री वाले भी तिरंगा लगा लेंगे आप गारंटी दे रहे हैं एक देश जिसके नागरिक जिसके गैर हथियार बंद नागरिक हथियार लेके अपने देश को बचाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसी देश में मस्ती मस्ती खेल रहे हैं बाहर से कि तिरंगा लगा लेंगे हम तो हमको कोई कुछ नहीं कहेगा और वो गुस्सा फटा पोलैंड के बॉर्डर्स में जब यूक्रेन की आर्मी ने हमारे छात्रों को मारना शुरू किया पुश बैक किया यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगाया था जिसमें 18 इयर्स टू 60 इयर्स ओल्ड मेल यूक्रेनियन सिटीजन को डिसअलाउ कर दिया था वो नहीं छोड़ सकते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा ने कहा था ब्रॉदल्स में कोई सेंट्स नहीं होते ब्रॉदल्स पेट्रियर्की ने बनाए महिलाओं के बारे में आप जो भी बोलते रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो ब्रॉदल में जाते हैं पुरुष उनमें कोई संत नहीं होता नहीं हो सकता है नहीं है संत तो पोलैंड यूक्रेन वाले भी नहीं पुतिन अगर हमला कर रहा है अपनी ताकत से तो आप अपनी ही जनता को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं और अब तो भारतीयों को भी बना रहे हैं उसके बाद एक तीसरे स्तर पे शुरू होता है कि भारत के जो छात्र मदद मांग रहे हैं उनके लिए आंखें बंद कर लीजिए उनको पाकिस्तानी बता दीजिए उनको बोल दीजिए कि ये तो है ही नहीं जबकि उन तमाम वीडियोस में मैं गर्मा मिश्रा का वीडियो देख रहा था जो खुद को लखनऊ की बताती हैं एक बेसमेंट है जिसमें सैकड़ों छात्र घूम रहे हैं परेशान है तबाह हैं पोलैंड बॉर्डर से जिन छात्रों ने वीडियो बनाए हैं कि पोलैंड की पुलेंट पुलिस है या यूक्रेन की समझ में नहीं आ रहा पर हमारी छात्राओं को बुरी तरह से मार रही और हमारी एम्बेसी उस पर सांस नहीं लेती पहले आप बोलते हैं पोलैंड के बॉर्डर पे चले जाइए फिर बोलते हैं वापस लौटिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए फिर आप बोलते हैं कुछ टाट का पैबंद लगाने से इज्जत नहीं बचती आज मैंने एक नया ही शगुफा देखा कि एक फ्लाइट रहा। मतलब अब भारत के भाजपा के आईटी सेल को डिबंक करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने फ्लाइट अवेयर भी काम कर रहा है जो कि बेसिकली एविएशन आविश, एंथ का एक अड्डा है कि कौन सी फ्लाइट कहाँ है क्या नंबर है वगैरह ने लोगों ने चला दी ये कि जब दुनिया का कोई देश इवैकुएट नहीं कर रहा है अरे मूर्खों अमेरिका ने यूके ने जर्मनी ने फ्रांस ने नीदरलैंड्स ने इलेवंथ फरवरी ट्वेल्थ फरवरी तक अपने सारे नागरिक इवैकुएट कर लिए थे और जो नहीं जाना चाहते थे उनको बता दिया था कि कोई मिलिट्री इवैकुएशन नहीं होगा ये हमारी सरकार थी हमारा दूतावास था जो हमारे छात्रों को कुछ बोल नहीं रहा था अब आप पैसे की जो बात कर रहे हैं ना एक लाख नहीं दो लाख दे के लोग वापस आते फ्लाइट्स नहीं थी मीडिया खेल खेल रहा था कि पुतिन को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस बार मुझे बहुत दुख नहीं हो पा रहा है मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट आई विल बी डैम ऑनेस्ट इन छात्रों की कोई गलती नहीं है इनके रोते हुए वीडियो देखता हूं तो कलेजा फट रहा है लेकिन अफसोस नहीं हो रहा इनमें से भी बहुत तेरे वही थे जो इस सरकार को लाने का बायस बने थे इसके चीयर लीडर्स थे और अब जो हो रहा है वो उनको खैर द इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन आर नॉट एट फॉल्ट एट ऑल दिस इज समिंग अप कंप्लीटली by इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन then इंडियन एम्बेसी इन पोलैंड and इंडियन foreign मिनिस्ट्री और वो जो जेम्स डोवाल हैं इनके जिनको इंटेलिजेंस का पता ही नहीं चला, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 26 जनवरी और 15 फरवरी के बीच एक लंबा अंतराल है इसमें दुनिया के किसी और देश की फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल्स आप देख लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा खैर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं फिर कोशिश करने जा रहा हूँ कुछ और दोस्तों तक कुछ और कॉन्टैक्ट्स मिले इफ इस बार मैं सिर्फ एक जगह खाना पहुंचा पाया आप में से जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि पहले कुछ कुछ कर लेता था पर इस बार और दूसरी बार जो समूह मेरी मदद करने आया था उसने कहा कि आस्कूर ऑल पावरफुल प्राइम मिनिस्टर टू हेल्प आई हैड नो आंसर्स बट द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द रॉन्ग ट्राई टू हेल्प देम They are Indians. They are ours. See you all again. Bye-bye.